और छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट में से एक जांजगीर चांपा भी है, जहां से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भाजपा के प्रत्याशी हैं और छठवीं बार चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस ने व्यास कश्यप को यहां से मैदान में उतारा है। आईबीसी 24 संवाददाता राजकुमार साहू ने भाजपा प्रत्याशी नारायण चंदेल से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण सीटों में से एक है जांजगीर चांपा और काफ़ी ये हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी भाजपा से प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से यहाँ पर व्यास कश्यप जी को मैदान में उतारा गया है। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। व्यास कश्यप जी को टिकट दिया गया है, वो पहले भाजपा में रहे, फिर बसपा में गए, अब वो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, किस तरह के समीकरण देख रहे हैं? 5 साल में 3 बार दल बदल लिया, पहले भाजपा फिर हाथी में चढ़ गए, फिर पंजा के साथ आ गए। तो दल बदलुओं को छत्तीसगढ़ की जनता कभी तवज्जो नहीं देती। व्यास ने नारायण को बनाया, किस तरह से देखते हैं उनके बयान को कि वो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं? देखिए, हम लोगों को ईश्वर ने बनाया और जनता का आशीर्वाद मिला है और हम लोग संघर्ष की भट्टी में तप करके आए हैं। पेट और पीठ में लात मार दी है उनका, पेट और पीठ में तो दल के उसने लात मारा है, दल को छोड़ के जाने की जरूरत क्या थी? इतनी क्या सत्ता की भूख है? भारतीय जनता पार्टी जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र से जनता के आशीर्वाद से, सभी के सहयोग से, सबसे बड़े अंतर से इस बार विजयी होने वाली है। ये थे हमारे साथ नारायण चंदेल जी, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, जिनका साफ कहना है कि जनता दल बदलुओं को बर्दाश्त नहीं करती और उन्हें जनता जरूर सबक सिखाएगी और इस बार छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी और जनता भाजपा के साथ है। राजकुमार साहू, आईबीसी 24, जांजगीर।